सासुर मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगहा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दियां देश कौम लई दित्तियां कुरबानियां दी मिसाल दुनिया विच होर किधरे नहीं मिलदी। गुरु जी ने अपना परिवार अते प्यारे सिंह सूरमियां दियां कुरबानियां दे के सिख कौम दा सिर सारे संसार विच उच्चा कीता है। अज असी दुनिया विच विचरदे हां, शेरां दी कौम वजों माण महसूस करदे हां, पर जेकर गुरु गोबिंद सिंह जी साढ़े गुरु ना हुंदे तां अज इतिहास कुछ होर होना सी। पर अफसोस, अज असी गुरुआं दियां दित्तियां कुरबानियां नूं भुल के सिखी तो पतित हो के नशियां विच अपना जीवन गलतान कर रहे हां अते भेखी सिख बन गए हां। गुरु जी ने तां कहा सी कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहीं। आओ असी गुरुआं दियां कुरबानियां नूं याद करदे हां, उन्हां वल्लों दरसाए मार्ग ते चलदे हां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गुरबाणी ते अमल करिए अते अपना जीवन सफल करिए। नौवें गुरु हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी दी कुरबानी तो बाद भी जद मुगल हुकूमत दे जुल्म ना रुके तां दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोचिया कि जद शांति दे सारे रस्ते बंद हो जाण तां अपने हक्कां दी राखी लई तलवार उठा लेनी चाहीदी है। पै काहूं को देत नह नह पै मानत आन दे महावाक अनुसार गुरु जी ने जुल्म नाल टक्कर लैण लई एक अनोखी फौज तैयार करन दी सोची, जिस दी दुनिया विच वखरी ही मिसाल होवे। गुरु जी ने 1699 दी विसाखी नूं श्री अनंदपुर साहिब विखे संगतां दे 80,000 दे इकट्ठ चों सिर्फ 5 अजिहे सिंघ चुणे जो गुरु दे हुक्म ते फुल चढ़ाउंदे सन। गुरु जी ने खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके पहला उन्हां पंजां नूं छका के 5 प्यारियां दा रूप दिता, फिर गुरु जी आप उन्हां तों अमृत छक के गोबिंद राय तों गोबिंद सिंह सजे। अज इस जगह गुरद्वारा श्री केसगढ़ साहिब सुशोभित है। ये वो किला है जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया सी। अते इसका नाम है किला श्री आनंदगढ़ साहिब, जिथे गुरु जी ने समय समय पहाड़ी राजियां ते मुगल फौजां वालों किए हमलों का जवाब दिंदियां उन्होंने पछाड़िया अते हमेशा जित प्राप्त की। इस किले ते हमला करके मुगल जां पहाड़ी राजियां दियां फौजां कदे भी जित ना सकियां। इसे किले ते औरंगजेब दे हुक्म अनुसार सूबा सरहंद वजीर खान की अगवाई विच पहाड़ी राजियां समेत 300,000 फौजां ने गुरु जी ते बहुत बड़ा हमला किया सी, पर वह गुरु जी नाल आहमो सामने की लड़ाई ना लड़ सके। इस तों बचण लई उन्होंने किले की चार चुफेरियों घेराबंदी कर ली। क्योंकि उन्होंने पता लग चुका सी कि वह आहमो सामनी लड़ाई विच गुरु जी नूं कदे भी जित नहीं सकणगे। किले विच गुरु जी कोल मुगलों की 300,000 फौज का टाकरा करन लई सिर्फ 10-12,000 सिंह सिपाही ही सन, पर वह 6 महीने भुखे प्यासे मुगलों का टाकरा करते रहे क्योंकि उन्होंने हौसले बुलंद सन।
नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के विसाए नगर श्री आनंदपुर साहिब की ओ पवित्र धरती जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बचपन बीतिया, जंग युद्ध के अभ्यास किए। इत्थे ही गुरु जी के महल माता जीत कौर, माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर ज़्यादातर रहे। गुरु जी के चार साहबजाद बचपन भी इत्थे ही बीतिया। इत्थे ही गुरु जी ने संगतां नूं अमृत छकन का आदेश दिता, एक खालसाई फौज तैयार करनी शुरू कर दिती। दूर दूर तो सिंह आके गुरु जी की खालसाई फौज में भर्ती होने शुरू हो गए। संगतां भेटा विच चंगी नसल के घोड़े, शस्त्र, होर जंग युद्ध का समान लियाउण लगियां। गुरु जी ने सिंघां नूं घोड़सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी, होर जंग युद्ध के अभ्यास में निपुण करना शुरू कर दिता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज होले महल्ले के पवित्र त्यौहार से सिख संगतों को इकट्ठा करते, आप उच्ची जगह पर विराजमान हो जाते। सिंह सुरमियां के करतब वेखते, जिस विच तीर अंदाजी, घोड़सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी के अभ्यास देखते। गुरु जी की चलाई परंपरा अज भी कायम है। आओ तुहानू श्री आनंदपुर साहिब विखे होले महल्ले के पवित्र त्यौहार दीआं झलकियां विखाईए। लो जी, गुरु दीआं लाडलीआं फौजां अपने जोहर विखाउण लई मैदान विच आ रहीआं हन। सिंघ हाथियां ते सवार हो के आ रहे हन। वाह, क्या सोहणे लगदे ने। नेजियां तलवारां दे नाल लैस बहुत ही फवरे ने। सिंघां दे तूफान मेल घोड़ियां दी कोई रीस नहीं कर सकदा। सिंघां दे तूफान मेल घोड़ियां दी कोई रीस नहीं कर सकदा। आ रहा है सिंह घोड़े ते सवार होके। आओ देखो, नेजे नाल किला पुट लिया। आओ लै गया, आओ लै गया। एक होर सिंह किला पुटन आ रहा है, पर नहीं, पुटन वालों रह गया। कोई गल नहीं, फिर सही। एक होर सिंह दो घोड़ियां ते पै गया। देखो, सिंह घोड़ियां दीआं काठियां ते किवें सौणा जाणदे नहीं। एक होर सिंह किला पुटन आ रहा है, पर नहीं, पुटन वालों रह गया। कोई गल नहीं, फिर सही।
एक होर सिंह किला पुटन आ रहा है, पर नहीं पुटन वालों रह गया। आ रहा है सिंह घोड़े ते सवार होके, आओ देखो नेजे नाल किला पुट लिया, आओ ले गया, आओ ले गया। आ रहा है सिंह घोड़े ते सवार होके, आओ देखो नेजे नाल किला पुट लिया, आओ ले गया, आओ ले गया। एक होर सिंह किला पुटन आ रहा है, पर नहीं पुटन वालों रह गया। कोई गल नहीं फिर सही। आ रहा है सिंह घोड़े ते सवार होके, आओ देखो नेजे नाल किला पुट लिया, आओ ले गया, आओ ले गया। एक होर सिंह किला पुटन आ रहा है, ओह डिग पिया, पर सिंह कोई परवाह नहीं करते क्योंकि सिंह डिग डिग के ही सवार होंदे ने। सिंघां दे तूफान मेल घोड़ियां दी कोई रीस नहीं कर सकता। लो एक होर सिंह दो घोड़ियां ते सवार होके आ रहा है। कहिंदे ने दो बेड़ियां दा सवार पार नहीं लगदा, पर सिंह दो दो घोड़ियां ते सवार होके इस अखान ते प्रसन्न चल ला रहे हैं। लो एक होर सिंह दो घोड़ियां ते खड़ा हो गया, आओ देखो हत्थां विचों घोड़े दीआं वागा भी छड़ दित्तियां। एक दूजे ते पूरे जोर नाल वार करदे सिंह वार रोक भी रहे हन। सिंघां दी तलवारबाजी दा भी कोई सानी नहीं। गुरु दा एक एक सिंह सवा सवा लख नूं भारी पैंदा है। देखो सिंह गतके दे जोहर किवें विखा रहे ने। संगतां दा अथाह इकट्ठ सिंघां दे करतब दा आनंद मान रहा है। जद किले की घेराबंदी नूं कई महीने बीत गए अते सिंह ना डोले, तां मुगलां ने सिर ते कुरान पाक अते पहाड़ी राजा वल्लों आटे की गऊ बना के कसमां खाधियां कि वह किला छड़ के किधरे होर चले जाण। उन्हां नूं कुछ नहीं कहा जाएगा, पर गुरु जी ने ना कर दिती। जो सी आखना तुसानू आख दिता, होर कुछ नहीं पातशाह कह सकदे। किन्ना समा होया भुखा कटदियां नूं, नहीं होर मुसीबतां सह सकदे। रिहा नहीं शरीरां विच तंत साडे, टक्कर नाल नहीं बैरियां लै सकदे। देवो छुट्टियां करां नूं चले जाइए, कच्ची घड़ी नी बीलिया रह सकदे। मेरे लाल मैं तैनू एक गल कहनी, माता गुजरी जी मुख चों कहण लगे। दिल टुट गए भुखे सूरम्या दे, बुरज हौसले ओना दे टहण लगे। इन्ने होए निराश उदास चेहरे, सूरज चंद नूं जिवें ग्रहण लगे। किला छड के जाण नूं तैयार सारे,
बहुते दिन नहीं बीलिया रहन लगे। तुसी कहो ता किले नू छड दियांगे, कुछ दिन ता ठहर जाओ होर सिंगो, जेकर जाओगे बिना ही दस्यां तो पंथ खालसा कहूगा चोर सिंगो। ठहर जाओ हालातां दी नब्ज वेखो, अते समय दी परख लो तोर सिंगो। नहीं रहना ता बीलिया चले जावो, की है तुसां ते असां दा जोर सिंगो। दुखी दिलां दी कूक फरियाद लैके असी आए हाँ आप दे द्वार माता। बिच जिस्म दे तान ना रही शक्ति, डाढ़े भुख ने करे लचार माता। साडे मुरदियां वांग वजूद हो गए, दसो चलणगे किवें हथियार माता। पेश चले ना कोई तूफान अगे, असी घरां नू जाण लई तैयार माता। गुरु जी ने सिंघां नू बार बार समझाया कि इन्हां काफरां दे वादे झूठे हन, पहलां भी इह कई बार कसमां खा के मुकर चुके हन, पर सिंघां ने किला खाली करन दी रट लाई रखी अते माता गुजर कौर जी दे जोर पाउण ते गुरु जी ने किला खाली करन दा मन बना लिया। अखीर छेपो सम्मत 1761 बिक्रमी दी रात जद चार घड़ी बीती तो गुरु जी पूरे परिवार सिंह सुरमिया अते कीमती गुरु इतिहास नू नाल लेके किले चो बाहर तुर पए अते जांदियां जांदियां आनंदपुर साहिब वल मोह भरी नज़र नाल तकिया अते कहा, गुरु जी आनंदपुरिए, भावें असी अज इत्थों उजड़ के जा रहे हाँ पर तू सदा हसती वसती रही। इस तरह गुरु जिथे खेडे पले अते जवान होए अज उस जगह नू छड़ के अगे चल पे। बाई तार दे राजयां दगा कीता, करके कौल जवान चो हारिया ए, नाल चाल दे किला करवा खाली, हल्ला बोल दिता लोड़ा मारिया ए, सर ते चुक कुरान नू कसम खादी, डाडा मोमना कहर गुजारिया ए, घर छड के वांग परदेसियां दे, घर छड के वांग परदेसियां दे, परिवार दशमेश दा देखो जा रहा ए, तुर चलिया पंथ दा बाली, सुखां दे महल छोड़ के तुर चलिया पंथ दा बाली, सुखां दे महल छोड़ के चलिया पंथ दा बाली। गुरु जी दी किला आनंदगढ़ छड़न की याद नूं ताज़ा करन अते अज दी नौजवान पीढ़ी नूं गुरुआं अते सिंह सूरमियां दीआं साडे लई दित्तीआं कुरबानीआं प्रति जागरूक करन लई एक विशाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है जो गुरद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब तों उसे समय रवाना होवेगा अते जिस दी अगवाई गुरद्वारा महदियन साहिब दे मुख सेवादार जोरा सिंह जी कर रहे हैं। पंज प्यारिआं दी अगवाई विच संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किला श्री आनंदगढ़ साहिब विचों सुंदर पालकी विच सुशोभित करन लई लैके आ रही हैं। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, जपो सतनाम सतनाम। इस नगर कीर्तन दी रवानगी जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते संत बाबा लाभ सिंह जी मुख सेवादार गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब कर रहे हैं। सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी,
जपो सत नाम सत नाम जी। इस मौके नगर कीर्तन के मुख्य सेवादार जोरा सिंह नूं दस्तार सजाई गई। सत नाम सत नाम जी। सत नाम सत नाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इस दे नाल ही इस नगर कीर्तन ते फिल्म बनाउण वाले श्री वी एस धूर नूं भी सम्मानित किया गया। नाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सत नाम सत नाम जी। पंजाबी फिल्मों के निर्माता निर्देशक सुखजिंदर शेरा जिस के उपराले नाल ये फिल्म तैयार हो रही है उन्होंने भी सिरोपा दे के सम्मानित किया गया। सत नाम जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सत नाम सत नाम जी। वाहे। अते इस फिल्म के लेखक जसविंदर शिंदा ने भी सिरोपा दे के सम्मानित किया गया। जपो सत नाम सत नाम जी। जोरा सिंह उन्हां दी धर्म पत्नी नूं भी सरोपा दिता गया। गुरु वाहे गुरु जी। जपो इस तों बाद पंज प्यारियां अते पंज निशान साहिब वाले सिंघां नूं सरोपा दे के नगर कीर्तन रवाना किया गया। ਉਜੜੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ ਏ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ। ਉਜੜੇ ਵਸਾਉਣ
तू कीतियां तैयारियां जिना नू जहान लोचदा मूरे लाले तू चार दुलारे जिड़े वसौन वाले छड़ चले आए महल मुनारे जिड़े वसौन वाले छड़ चले आए महल उस नाल ही क्यों होया इना कैर है दूजियां दे रोनिया उत्ते हस अपने तू हस हसवा।